डॉक्टर साहब शरीर सूख रहा है, डॉक्टर साहब मेरे पत्तों को शरीर में दाना निकाल रहा है, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती है, ऐसे तमाम प्रश्न झुग्गी झोपड़ी में रह रहे गरीब महिलाओं ने शहर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से पूछने शुरू किए। जैसे ही आस्था फाउंडेशन की टीम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कितना खतरनाक होता है इस विषय पर जागरूक करने वॉक फॉर लाइफ मुहिम के तहत पहुंची, सैकड़ों महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पहले से ही इंतजार कर रही थी। महिलाओं में गजब का उत्साह देखते ही बन रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जरूर दूर करेगा। दरअसल इन गरीब महिलाओं को ये भी नहीं पता था कि गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज भी हो सकता है। इलाज की बात तो छोड़िए, कम से कम जानकारी तो होना इन्हें जरूरी ही है। किंतु आस्था फाउंडेशन की टीम अपने डॉक्टरों के साथ उन महिलाओं को ये बताने में सफल हुई कि अगर आपके घर में कोई भी गर्भवती है तो हमेशा यह ध्यान रखें कि उनको डायबिटीज ना हो। महिलाओं में आस्था फाउंडेशन के प्रति लगाव इतना था कि वे इस संस्था से और समय चाहती थी। आज के समय में आस्था फाउंडेशन की टीम ऐसे लोगों के लिए मसीहा बन चुकी है, जिनके पास पैसे के अभाव में डायबिटीज के प्रति जानकारी भी नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों के लिए आस्था फाउंडेशन निरंतर कार्य करता रहा है और हमेशा कार्य करता रहेगा। आस्था फाउंडेशन ने बताया कि गरीब महिलाओं का ये विश्वास और स्नेह ही हमारी संपत्ति है। अंत में हम लोगों ने सभी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे सभी महिलाओं को अपना मोबाइल नंबर देकर उनसे आग्रह किया कि जब कभी भी स्वास्थ्य संबंधी जरूरत हो आस्था फाउंडेशन की टीम हाजिर है और हम लोग हमेशा भी करते आ रहे हैं। आज भी देखिए इस वीडियो को और महसूस कीजिए कि कितना जरूरी है इन झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को डायबिटीज के प्रति जागरूक करना, जो आस्था फाउंडेशन लगातार कर रही है। हाँ, माता का दवाई है, वो खाते रहेगा, आप जमा से मत छोड़िएगा। चीनी है, मुँह सूख रहा। हाँ नहीं तो आप चीनी की जांच कराइए, अगर चीनी कंट्रोल पर नहीं है डायबिटीज की दवा चलते हुए 98 फास्टिंग खाने के बाद 150 एकदम कंट्रोल है आपका, तो आप पानी पीजिए, टहल घूम पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एकदम बढ़िया रहेगा। देखिए चीनी का रोग भी डायबिटीज खा सकते हैं, महीना में सप्ताह में एक दिन एक पीस से दो पीस सेका हुआ फ्राई किया हुआ नहीं ग्रिल किया हुआ रोस्ट किया हुआ एक पीस से दो पीस मछली या छोटा चिकन खाइए, हफ्ता में एक दिन खाइए एक पीस से दो पीस तो उतना तक अलाउ है। आइए ना कि झोर में लगा दिए मटर लिए पूरा रोज खाना हुआ हाथ में जमेगा। चीनी तो आपका ठीक है, बहुत अच्छा चीज है, चीनी आप कंट्रोल पर रखिए, इसीलिए उगी जाती है, नींद आता है, मैंने जान नहीं पड़ जाता है। है किसी को कोई रोग नहीं है, लेकिन गर्भावस्था में चीनी बढ़ने का टेंडेंसी होता है सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि हम अभी बताएं क्यों होता है, क्योंकि